जय श्री कृष्ण मित्रों मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि साल 2022 में कौन कौन सी राशियां लकी रहेगी, कौन सी राशि वालों को व्यापार व्यवसाय नौकरी में सफलता मिलेगी और कौन सी राशियों को आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य का राशिफल, नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो साल 2022 के आगमन के साथ ही ग्रहों की चाल में परिवर्तन होगा। ऐसे में बीते साल की बहुत सी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। हालांकि हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके जीवन में खुशियां लेकर के आए, लेकिन आपके नक्षत्र और ग्रहों की दशा यह तय करती है कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आने वाला साल 2022 सभी 12 राशियों के जीवन में बेहद खास और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आएगा, जिसका प्रभाव आपके जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों पर किसी न किसी रूप में अवश्य ही पड़ेगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि वर्ष 2022 आपकी राशि के अनुसार कैसा रहेगा। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए साल 2022 मिलाजुला परिणाम लेकर के आया है। 16 जनवरी को मंगल का धनु राशि में गोचर होगा, तो मंगल का प्रभाव आपको आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल फल देने का काम करेगा। साथ ही इस गोचर का प्रभाव मेष राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मकता भी लेकर के आएगा। वहीं 13 अप्रैल को गुरु का गोचर भी स्वराशि में मेष राशि में होगा। यह गोचर विद्यार्थी वर्ग के लिए अति शुभ रहेगा, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होगी। इस राशि के प्रेमी जातकों के जीवन में कुछ चुनौतियां रहेगी और शनि और बुध की युति 2022 की शुरुआत से मार्च तक होने से आपको कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने की आशंका रहेगी। इसके अलावा मध्य समय यानी मई से अगस्त तक मीन राशि में मंगल देवता का गोचर होने से आप पाचन संबंधी मुद्दों से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी सेहत के प्रति विशेष सावधानी बरतते हुए खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी और 10 अगस्त तक मंगल देवता स्वयं की राशि में रहेंगे। चौथे भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी, फिर वह दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे, जिससे आपके पारिवारिक जीवन में अच्छा खासा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यानी इस समय अवधि में आपके परिवार की उन्नति होगी, आपकी भी उन्नति होगी। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के अनुसार वृषभ राशि के जातकों को भी मेष राशि वालों की तरह वर्ष 2022 में सामान्य ही परिणाम मिलेंगे। साल के पहले महीने का मध्य समय यानी 16 जनवरी को मंगल के धनु राशि में गोचर करने से आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। इस गोचर से सफलता के प्रबल योग बनेंगे। करियर की दृष्टि से साल 2022 आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। शनि का आपकी राशि के नवम भाव में उपस्थित होना आपको आय के कई स्रोत उत्पन्न करने में मदद भी करेगा। नए साल में अप्रैल महीने में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन धन लाभ के संकेत भी दे रहा है। साल के अंतिम महीने अगस्त और अक्टूबर के बीच धन से जुड़े कई उतार चढ़ाव आने से आपको कुछ आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। अंतिम तीन महीने यानी अक्टूबर नवंबर और दिसंबर आपकी संतान के लिए सबसे अधिक अनुकूल रहने वाले हैं। इस समय अवधि में आपकी संतान की उन्नति होगी और आपके लिए भी समय फायदेमंद रहेगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के अनुसार मिथुन राशि के जातकों की ग्रहों की स्थिति यदि देखी जाए तो आने वाला साल इस राशि के जातकों के लिए कई चुनौतियों से भरा भी रहेगा। हालांकि इस दौरान कई अच्छे अवसर भी इस राशि के जातकों को मिल सकते हैं, लेकिन इन्हें भुनाने की आवश्यकता आपको होगी। तो साल की शुरुआत के तीन महीने यानी मार्च तक शनि देवता आपकी राशि में ही अष्टम भाव में मौजूद रहेंगे, जिससे आपको कुछ आर्थिक नुकसान के साथ ही कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। और साल के दूसरे महीने के मध्य समय यानी 17 फरवरी से अप्रैल तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। मध्य समय अप्रैल के बाद राहु का गोचर एकादश भाव में यानी 11वें स्थान में होने से जीवन में कई सकारात्मक बदलाव भी होंगे। इस समय अवधि में आपको अच्छी खासी सफलता भी प्राप्त होगी। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत कई समस्याओं से भरी हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि के सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति उथल पुथल मचाएगी। हालांकि 16
जनवरी को मंगल ग्रह का धनु राशि में गोचर होने से आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद भी करेगा। इसके बाद अप्रैल में कई अन्य महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर और फेर बदल भी होगा, जिससे आपके जीवन में कई बदलाव आएंगे। इसके साथ ही इस वर्ष अप्रैल अंत से मध्य जुलाई तक कुंभ राशि में शनि का गोचर होने से आपका आर्थिक जीवन मुख्य रूप से प्रभावित होगा। वहीं अप्रैल से अगस्त तक का समय आपके लिए उत्तम फलदायी देने वाला रहेगा। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार सिंह राशि के लोगों के लिए आने वाला साल मिला जुला रहेगा। साल के पहले महीने में आपकी राशि के पंचम भाव में गुरु ग्रह की उपस्थिति से आर्थिक जीवन में सुधार होगा। साथ ही जनवरी के अंत से मार्च तक मंगल देवता का गोचर आपकी संतान की सेहत के लिए शुभ रहेगा। 26 जनवरी को मंगल देवता आपकी राशि से छठे भाव में उपस्थित होंगे, जो कुंडली का भाग्य स्थान होता है। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक सकारात्मक फल मिलेंगे। आप अपार सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इस राशि के जातकों को फरवरी और अप्रैल माह में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की युति और फेरबदल आपके लिए शुभ नहीं रहेंगे। अप्रैल का महीना कुछ अप्रिय घटनाओं से भरा भी हो सकता है। साथ ही 12 अप्रैल को छाया ग्रह राहु का मेष राशि में होने वाला गोचर आपके नवम भाव को प्रभावित करेगा, जिससे आपको कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या होने की आशंका भी रहेगी। इस समय अवधि में आपको खान पान पर थोड़ा संयम रखना होगा। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के अनुसार कन्या राशि वालों के जातकों के लिए साल 2022 की शुरुआती समय काफी अच्छा रहने वाला है। जनवरी माह में मंगल ग्रह का धनु राशि में गोचर होने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद अप्रैल, जून और सितंबर का महीना आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल भी होगा। नए साल के मार्च की शुरुआत में 4 प्रमुख ग्रह शनि, मंगल, बुध, शुक्र का एक साथ उपस्थित होकर के चतुर्ग्रही योग का निर्माण करना कन्या राशि के जातकों को आय के नए नए स्रोत से अच्छा लाभ अर्जित कराने में सफलता देगा। इसके साथ ही बुध देवता का तुला राशि में गोचर होना आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेगा और इसके कारण अक्टूबर से मध्य नवंबर तक आपके प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ मजबूत रिश्ते का खुलकर आनंद लेते दिखाई देंगे। यह समय आर्थिक रूप से भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए साल 2022 की शुरुआत में शारीरिक, मानसिक और कैरियर से जुड़े अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन बिजनेस और परिवार की बात करें तो परिस्थितियां कुछ कष्टदायक हो सकती है। मध्य समय जनवरी में धनु राशि में मंगल देवता का गोचर भी आपको आर्थिक जीवन में शुभ फल देने वाला रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने धन को संचय करने में सफल रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग की यदि बात करें तो अप्रैल में मीन राशि में गुरु का गोचर तुला राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में इच्छा अनुसार परिणाम देने का कार्य करेगा। फिर मई से नवंबर के बीच की अवधि के समय आपको किसी विदेशी या दूर जमीन, नौकरी या शिक्षा से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त होने की उम्मीद रहेगी। जो लोग अभी तक सिंगल है उन्हें वर्ष 2022 में अक्टूबर से नवंबर के बीच पवित्र बंधन में बंधने का अवसर मिलने की संभावना भी रहेगी। यह वर्ष आर्थिक रूप से आपके लिए सामान्य रहेगा। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार इस राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 मिले जुले परिणाम लेकर के आया है। 2022 की शुरुआत से लेकर के अप्रैल तक आपको कई अनावश्यक खर्चों से दो चार होना पड़ेगा। अप्रैल माह के अंत के दौरान कुंभ राशि में शनि ग्रह का गोचर आपके कैरियर, आर्थिक जीवन के साथ ही पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिणाम देने का कार्य करेगा। इसके बाद मध्य समय अप्रैल के दौरान मीन राशि में गुरु का गोचर आपकी राशि के पांचवें भाव को प्रभावित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी स्थिति बेहतर होगी और आपको आर्थिक तंगी से कुछ निजात मिल सकेगी। इस वर्ष मई से सितंबर के बीच कई शुभ ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण आप अच्छा खासा धन अर्जित करने में सफल भी रहेंगे। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के अनुसार इस राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 आर्थिक मुद्दों से जुड़े मामलों में अनुकूल रहेगा। जनवरी में मंगल ग्रह का आपकी ही राशि में गोचर होने से धन से जुड़े हर मामले में मजबूत स्थिति प्रदान करने में आपको मदद करेगा। शिक्षा की दृष्टि से वर्ष 2022 की शुरुआत धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी।
फरवरी से जून तक आप अपनी सेहत के अनुसार परिणाम हासिल करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातक इस दौरान अपनी अपेक्षाओं को बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। हालांकि इस वर्ष की शुरुआत में धनु राशि में होने वाला मंगल का गोचर कई जातकों को मानसिक चिंता और तनाव देने का कारण भी हो सकता है। साथ ही मंगल का आपके सप्तम भाव को दृष्टि करना भी पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद उत्पन्न कर सकता है। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार इस राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 कई उतार चढ़ाव से भरा साबित होगा। इस वर्ष की शुरुआत के दौरान अपनी ही राशि में शनि का स्थान परिवर्तन आपके करियर और आर्थिक शिक्षा के लिए अच्छा खासा अनुकूल साबित होने वाला है। हालांकि अप्रैल माह में आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि से 12वें भाव में मंगल का गोचर धन से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जिससे आप अपने धन के संचय करने में असफल भी हो सकते हैं। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो अप्रैल माह में कुंभ राशि में शनि का गोचर आपको सेहत से जुड़े कुछ छोटे मोटे मुद्दों को जन्म दे सकता है, इसलिए आपको खान पान का अच्छा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। योग ध्यान और व्यायाम का सहारा लेना आपके लिए उत्तम रहेगा। वैसे आर्थिक रूप से आपके लिए यह वर्ष मध्यम रहेगा। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार कुंभ राशि के लोगों के लिए वर्ष 2022 अधिक अनुकूल रहेगा। आर्थिक लिहाज से इस साल आपको अपार सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। जनवरी माह में मंगल का गोचर आपको आर्थिक लाभ देने का कार्य करेगा। इसके बाद मार्च की शुरुआत के दौरान चार प्रमुख ग्रहों यानी शनि, मंगल, बुध और शुक्र का एक साथ युति करना आपको प्रयासों और अच्छी संपत्ति देने और लाभ होने में सफलता दिलाएगा। हालांकि 12 अप्रैल को मेष राशि में छाया ग्रह राहु का गोचर होना और उसका आपके तीसरे स्थान को दृष्टिगत करना आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित भी करेगा। इस दौरान आपको सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखने की और किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी न होने देने की जरूरत रहेगी। करियर और प्रोफेशनल लाइफ की यदि हम बात करें तो जनवरी महीने में धनु राशि में मंगल ग्रह की उपस्थिति आपको नौकरी और बिजनेस दोनों ही में भारी सफलता देने का योग बनाएगी। यह साल आर्थिक रूप से आपके लिए काफी बेहतर साबित होगा। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार मीन राशि के जातकों के लिए साल 2022 मुख्य रूप से अनुकूल रहेगा। इस साल आप ज्यादातर आर्थिक रूप से संपन्न रहेंगे। अप्रैल माह में शनि देवता का 11वें भाव से 12वें भाव में उपस्थित होना आपके आय के नए स्रोत उत्पन्न करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा अगस्त और अक्टूबर के बीच ग्रहों का लगातार होता स्थान परिवर्तन आपके जीवन में कई आर्थिक उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। करियर के लिहाज से मीन राशि के जातकों को इच्छा अनुसार परिणाम मिलेंगे। साथ ही अप्रैल माह में मीन राशि में ही देव गुरु बृहस्पति का गोचर भी कार्यस्थल पर आपको अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद भी करेगा, जिससे आपकी पदोन्नति होगी। आप यदि नौकरी आदि करते हैं तो वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी आप सफल रहेंगे। यह वर्ष आर्थिक रूप से आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वार्षिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।